तो आज मोदी बन गया, आज ही सब कुछ कंबल दे दे, आज ही सारी रसाई दे दे, आज ही दे दे सब कुछ। तो ये चाहता है, ये चाहता है, ये पता क्या चाहते हैं? ये तो भाई वो सरकार बना है हमारे घर में ना, हर बिजनेस उसको ले दे दे लब्बे भर के। आज 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 क्या परेशानी हो गई तेरे? पब्लिक परेशान ना, आइसक्रीम खा ले, लड्डू खा, कौन रोक रहा है तेरे को? आदमी नंगा सो रहा है, एक कंबल ओढ़ रहा है, कौन सा को कपड़ा दोगे तुम अपनी तरफ से? कौन सा? एक बात बताओ, आप सर्दी में मेरे तो आज के दिन ऐसा जमाना है भाई, सुन ले, सुपर है जमाना ऐसा है, तेरे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है ना, थोड़ा भी दिमाग है तो सर्दी में नहीं मर सकता तू। मैं कह दूँ एकदम से सारा देश ऐसे ऐसे चलना चाहिए, मैं भी कह दूँ इसको एक मिनट में सुधार दूंगा, मैं सुधर जाएगा ये। बीजेपी ऐसे करने वाली होती तो तीन तलाक जो मुसलमानी और थी वे बेचारी दुखी हो जाती थी, तलाक बोलो के साइड में तीन चार बच्चे पैदा करके साइड में हो जाते थे। आज नहीं हो, अपने घर की बात आप हो, पड़ोसी को बताओगे हमारे ये हो रहा है, हमारे ये हो रहा है, अच्छी बात होती है भाई। हिंदू मुस्लिम कर लो, और क्या मुद्दे है? ये मुद्दे ही तो निकाल रहे, इस मुद्दे से सरकार बनती है? कौन है सर? राकेश कहाँ से? हरियाणा। वहाँ तो मोदी जी की सरकार है, खट्टर सरकार, सही चल रहा है सर। लास्ट एक बात बताऊँ भाई, देख 500 आंगड़ी एक बराबर नहीं होती, ठीक है? मैं कह दूँ एकदम से सारा देश ऐसे ऐसे चलना चाहिए, मैं भी कह दूँ इसको एक मिनट में सुधार दूंगा, मैं सुधर जाएगा ये है भाई। हर एक चीज़ का टाइम लगा, हर एक चीज़ देखनी पड़े। हमारे देश की किस्मत सौभाग्य है जो ऐसा प्रधानमंत्री है, सच्चाई में सच्चा इंसान, ये बैंड जो दूसरी पार्टी खंड भी है। है? ये तो बोले कुछ काम ही नहीं के बेरा है, कितना आ गए हो, काम नहीं किया। दूसरे देशों में जाओ बैंड, जब अलग से पहचान है इंडिया। हर एक आदमी आज सफाई रखने की कोशिश करता है, बहुत बदलाव है रिजिम में, देश से बोले बेरोजगारी बढ़ गया है। 150 साल पुरानी बात, 30-40 साल से केस चल रहा, और जो सरकारी आती थी है हमारी, जो भारतीय संस्कृति है भाई, राम मंदिर है, वे कहती थी बनवाएंगे वो करेंगे, अरे किस सरकार ने बनवाया 7-8 साल के अंदर? मोदी ने। और भी मंदिर जो ये जो हमारी अपनी जो संस्कृति है भाई, अपना इंडिया हिंदू, ठीक है, हिंदू देश है भाई, शुरू में तो हिंदू था भाई, महा भारत के टाइम पे, रामायण के टाइम पे हिंदू था देश, जो बाद में मुस्लिम भी आ गए, कुछ बात नहीं, फिर धर्म के नाम भी अलग भी हो गए, फिर कुछ यहाँ भी रह गए। बीजेपी क्यों कर रही है? बीजेपी ऐसे करने वाली होती तो तीन तलाक जो मुसलमानी और थी वे बेचारी दुखी हो जाती थी, तलाक बोलो के साइड में तीन चार बच्चे पैदा करके साइड में हो जाते थे। आज नहीं हो रहा होगा, आज नहीं हो रहा होगा, आज कोर्ट से दोबारा होगा, चुक तू करके देख ले, आप करके देख लो। आज भी दुनिया भर की आज क्या परेशानी हो गई तेरे? पब्लिक परेशान ना, आइसक्रीम खा ले, लड्डू खा, कौन रोक रहा है तेरे को? पहले भी कौन ना रोक रहा था? पहले भी नहीं रोक रहा था, अब भी नहीं रोक रहा, तो अब क्या दिक्कत है? मेरा बहुत फर्क है, अब क्या फर्क हो गया? मैं ये तो पूछ रहा हूँ, हर एक चीज में, अरे जैसे जैसे हर एक इंसान के अंदर गुमड़ी निकलती है, अब वह आखिर में कहे ना भाई ये छोटी छोटी से गुमड़ी फोड़ा है, ऐसे ठीक नहीं होगा, वो तो पूरा पक लेगा ना, जब ठीक हो सारा सौदा पक लिया बाहर आ रहा है यो। अच्छा, हाँ मतलब अब अपने जो संस्कृति है देश में, बड़े बड़े बढ़िया मंदिर बनने चाहिए, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता वर्ल्ड में, संसार में। और राहुल गांधी यात्रा करके, राहुल गांधी यात्रा कर लो, चाहे अपने पैंट लगाड़ कर डांस कुछ भी कर ले, उल्टे सुलटे काम कुछ कर लो, जो अपने देश में जाकर अपने अपने घर की बात आप हो, पड़ोसी को बताओगे हमारे ये हो रहा है, हमारे ये हो रहा है, अच्छी बात होती है। जो चीन हमारे हमारे सैनिकों के साथ लड़ाई करता है, हैं? हालांकि मोदी ने कह दी भाई हम तो भाई बांसुरी बजा सकते हैं, तो सुदर्शन चक्र भी ठा सके हैं। आज तक जब से ये देश आज़ाद हुआ ना, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी डायरेक्ट बोलना। ये जो दूसरी पार्टी थी ना, जो कांग्रेस ये जो पार्टी थी, पता क्या कैसे बोलती थी? उन पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम बातचीत कर, इस तरीके से बोलती थी। अरे यो सीधी बोल रहा है, सीधी बात बोल रहा है। अरे आज के दिन चारों तरफ पहले उसकी बेइज्जती करी भाई, जो हमारे जो अमेरिका में जो हमला हुआ, लादेन कहाँ छिपा हुआ? पाकिस्तान में। और भी जितने भी हमले हुए और भी हमारे देश में पाकिस्तान में, चारों तरफ बेइज्जती करके, जैसे गांव नहीं होता गांव में भाई, किसी कोई आदमी गलत काम करता है उसको कह देते ना तेरा हुक्का पानी बंद कर दिया, ऐसे जात में से घेर रखा है भाई, इतनी महंगाई यहाँ अपना देश में सुख शांति है, एक बताओ गरीबी, एक बताओ ये कहते महंगाई। अरे किसी टाइम पे 10-20 रुपए किलो घी मिलता था गांव में, अरे टाइम अनुसार है भाई, बदलाव आएगा तो थोड़ी बहुत महंगाई भी होगी, हैं? इसमें क्या है? अब तू ना यहाँ पर है, यहाँ से तू चल 2-4 किलोमीटर कहीं ना कहीं तेरे को भंडारा मिल जाएगा। ये अपना ऐसा देश है,
कोई आदमी भूखा नहीं रहता। शुरू से ही मिलता है, ये तो शुरू से मिलता है भंडारा, आज से हो रहा है। हिंदुस्तान में कब से रह रहे हो? अरे अब अरेक जी में कब से रह रहे हो? हिंदुस्तान का अरे बेटे, अरेक जी की कैपेसिटी बढ़ रही है अब। मुझे बताओ सिर्फ, समझ में आ गई? तू तो ये चाहता है ये बता कि क्या चाहते हैं? ये तो भाई वो सरकार बनाए हमारे घर में ना, हर बिजनेस उसको ले दे डब्बे भर के, हाँ बेकार काम के पैसे दे दे मारे को। ऐसी सरकार होनी चाहिए हमारे पास। है अरे ये केजरीवाल है फ्री। अरे एक बात, अपना जो देश है भाई, इसको हर एक आदमी ने भाई ऐसा काम दिखाओ, ऐसा काम लगाओ जिससे अपनी मेहनत से अच्छे पैसे कमाओ। है एक बात बता, ये भाई थोड़ी थोड़ी फ्री की पॉलिटिक्स में जो दूसरे तो कई देश है ना, मतलब डूब गए, ऐसे तेजी होगी, समझ में आई? अरे ये मोदी ने सरकार ने भाई कोर्ट में केस रखा है, फ्री में दो मिनट में दोनों आदमियों को लालच में ले लेते हैं। ये आदमी समझ देनी बात को। अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है भाई, फ्री कर दे हर चीज में, जो हमारा देश मजबूत होगा। आज के दिन 650 किला में, एकड़ जमीन में हवाई जहाज हेलीकॉप्टर जो लड़ाई वाले वैसे इस देश में बन रहे हैं। पहले हमारे को हथियार दूसरे देश से लेने पड़ते थे। हर एक चीज में मजबूत अपना जो देश है, इस तरीके से मजबूत है। ये एक बात बताओ, राहुल गांधी है, सुनो बेटे इधर आओ, सुनो सारे बात सुनो। हाँ। राहुल गांधी है, कितने बारी प्रधानमंत्री बन लिए? एक बार भी नहीं। नहीं, उनकी सरकार तो बन ली ना, कितने बारी? हाँ। सरकार बन ली, पैसे की कोई कमी नहीं। तेरी चारों तरफ बेच दी होगी तो मीडिया कौन खरीदेगा? तू खरीदेगा या जिसका राज चल रहा है वो खरीदेगा? नहीं, वो नहीं खरीदेगा। जिसने जरूरत है उसका तो राज वैसे ही है, सरकार बना ली है, जिनके पास पैसे के ये नहीं कर चीजें खरीद सकते। फिर भी मीडिया शुरू से लेकर तुम डिबेट सुनते हो हमेशा, बीजेपी के सामने बात होती है और सारे साइड में रखे जाते हैं। क्यों? इनकी सारे की गलती है ये सब। अरे एक आदमी ये वो क्या हो रहा है, जिसके अंदर ये सारे देश में थोड़ा भी दिमाग है ना, थोड़ा भी, वो बीजेपी की तरफ है। एक बात होता है, इनके पास पैसे की कमी है। अच्छा, सर्दी एक सवाल का जवाब सर्दी में अर्जुन किसी आदमी पे कंबल नहीं है ओढ़ने के लिए, या एक कुछ ना कुछ ये बेचारे ये सब काम कर रहे हैं, थोड़ा काम करके कंबल भी ले सका है। चल 1% हो, बात सुन, 1% हो एकदम से, तुम सोच रहे हो भाई इस जो इतने सालों से जो देश बिगड़ रहा था, अरे तुम तो सोचो ये लड़का है, इसके अंदर बेटे गलत बात है। मैं इसको कहूँगा डंडे मारो, सुधर जाएगा, जो एकदम से सुधर जाएगा। तुम तो सोचो आज मोदी बन गया, आज ही सब कुछ कंबल दे दे, आज ही सारी रसाई दे दे, आज ही दे दे सब कुछ, एक दिन तो नहीं हो पाएगा। बसने लग गया, कहाँ था रहा तू? उतरे तेरे कंबल नहीं मिल रहा के? तेरे को दिहाड़ी दूंगा 500 रुपये, तू बड़ा कंबल खरीद रजाई खरीद ले। किसे दोगे? मैं हिम्मत होनी चाहिए, दोगे किसे? मैंने सवाल पूछा है तुम्हारे से, ये नहीं कहा तुम दे रहे हो। मैंने ये पूछा किसे दोगे? जिसको जरूरत है उसको बदल कंबल बतेरे देने वाले हैं। मैं भी तो वही बात कर रहा हूं, देने वाले हैं तेरे को, दिलाऊं कंबल तो लोगे नहीं? पहले गुरुद्वारा में चला कंबल मिल जाए इतना सा, बात नहीं है। मैं तो एक बात और कहीं चला था, कहीं ना कहीं तो मैं लगा अभी मोदी जी ने, और मेहनत भी करे, अरे मोदी जी ने अभी और कंबल भी ले ले, सारे काम करता रहे। मोदी जी ने अभी 2.5 लाख रुपए दिए है। एक बात बताओ, एक सुनो, तुम सभी सारे बात सुनो बेटे, मेरी बात सुन ले, छोड़ दे बात ना, बात सुनो। हमारे हरियाणा है, उसमें देवीलाल सीएम मुख्यमंत्री था, कई बार मुख्यमंत्री रहा हो हरियाणा पहले, ठीक है। एक बात हो, उसने मतलब वो प्रधानमंत्री बन सकता था, बन जाता हो, पर उसकी थोड़ी पढ़ाई, उसके अंदर पढ़ाई लिखाई नहीं थी इतनी उस टाइम पे, पर नहीं तो उसको प्रधानमंत्री बना रहे थे। ऐसा उसका व्यक्तित्व तो ऐसा था उसका इंसान का, ठीक है। उसने सुनिए बेटे, एक मिनट सुन दिया, एक सेकंड सुन लिए, उसने 100 रुपये पेंसिल करी भाई, पेंसिल बुढ़ होगी, देखे बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, बुढ़ा हो जाता है, उसके नए नए लड़के नई बहू आ जाती है, कोई सेवा ना करे कोई ना करे, उस टाइम पर 100 रुपये बहुत सारे थे, ठीक है, करे 100 रुपये, धीरे धीरे बढ़ गए। अब भाई दूसरी सरकार आई, सीधा 2500 हो गए, ठीक है, 2000 हो गए, 2500 हो गए, बढ़ गए। वो दूसरी सरकार कहने लगी हम 500 रुपये और बढ़ाएंगे, दूसरी सरकार कहेगी हम 500 रुपये और बढ़ाएंगे, बढ़ते आज के दिन एक बुजुर्ग आदमी उसकी सेवा नहीं होती हो, बेचारा 2500 रुपये में कुछ तो रोटी घर में खा ले, और आराम से अपना जो बीड़ी मच जो भी उसने चाहिए वो ले सका है, उसका काम चलेगा नहीं चलेगा? ऐसे ही मोदी ने 6000 रुपये
किसानों की कर दिए, किसान निधि अगली बारी दूसरी सरकार आएगी ना, उन्होंने कहेंगे हम किसानों को 12,000 देंगे, अगली बारी 30,000 देंगे, ऐसे बढ़ जाएगी। ये एक अच्छा काम है, इनको क्या पता। कहाँ से हैं सर? मैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर, योगी सरकार बढ़िया चल रही है? हाँ ठीक ही चल रही है, बढ़िया तो अपने साथ में कुछ भी ना है आज के टाइम में। जनता के लिए अच्छे हैं कि नहीं है कि ऐसे ही? जनता के लिए तो कुछ है ही नहीं अभी फिलहाल, तो कुछ भी नहीं है, रोजगारी बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, लोकसभा चुनाव है 24, बदलाव हो पाएगा बेरोजगारी मुद्दा? होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। कौन होगा फिर सीपीएम, कौन होगा? अब तो राहुल को पकड़ ले फिर दोबारा, कांग्रेस ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। कांग्रेस से तो ज्यादा बेटर है? हाँ। क्या पीएम मोदी जो भी काम किया वो आपको अच्छा नहीं लगा? अभी पीएम मोदी ने काम किया, क्या है मुझे पता क्या यार, 370 क्या किया? एक ही काम किया है कि उसने वर्ल्ड टूर किया, बस एक ही काम किया भाई साहब। वर्ल्ड टूर से मतलब नहीं होता, और बेरोजगारी से मतलब है। बेरोजगारी है आज के टाइम में देश में जो है वो बेरोजगारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मेन चीज होती है रोजगार। 370 राम मंदिर, जनधन योजना, आयुष्मान योजना। सर जी मंदिर से एक बात हो तो मंदिर है या 370 लगी हुई है, आज से पहले भी लगी हुई थी, काम है। नहीं मेरी एक बात हो तो मेन चीज होती है, हमारा तो मुद्दा जो है वो रोजगारी का है, इसके अलावा हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार मुद्दा हो जो इसमें होने चाहिए, होना भी चाहिए, सबके लिए है। तुम काम कर रहे हो, तुम भी रोजगार के लिए तो कर रहे हो, तुम्हारा रोजगार नहीं चलेगा तो क्या करोगे तुम? मैं तो रोजगार प्राप्त हूँ। हाँ हो ना, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम हो तो जो आरोप लगता है कि जो काम नहीं करना चाहता वही बेरोजगार है, ऐसा सच्चाई है इस बात में? नहीं नहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा थोड़ा अभी ऐसा तो कोई नहीं है। कहने लगा भाई सर फोड़ दे दूसरे का, जब रोजगार छीन के लाएगा वो तो मिलने से ही होगा ना किसी के। अब जब होगा ही नहीं औरों पे पैसे नहीं तो कहाँ से होगा रोजगार? अभी तो बुलडोजर भी चल रहा था यूपी में, सही हो रहा है? यूपी चल रहा है सही, कहाँ से हो रहा है? वो पहले भी तो थे, अब जो देखो जो क्राइम करने वाले हैं, जो क्राइम करने वाले हैं उन पर जरूर चलना चाहिए, उसमें मुद्दा कोई नहीं है। हिंदू लोग के लिए भी तो बहुत काफी अच्छा किया है इन्होंने, हिंदू लोग के लिए काफी अच्छा किया है कि हाँ कि हिंदुत्व जो बड़े हिंदू देखो। अरे सुनो मैं मेरा कहने का मकसद यह है के ये तो एक मुद्दे है, क्योंकि जी मंदिर बना लो मस्जिद बना लो इसको तो मुद्दे है, ये कोई बोल नहीं है, इसमें तो सिर्फ अपना हिसाब किताब बनाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं इस बात को।